किया है मेडिकल कॉलेज से। तो मेरा जो इनिशियल टीचर थे मेरे अपने सीनियर से मेडिकल कॉलेज में, और उन्हीं से करते करते मैं भी लेप्रोस्कोपी सर्जरी कर रही हूँ। लेकिन जब मुझे हिस्ट्रोस्कोपी ऑपरेटिव सेपरेट यूट्रस आया, उस समय मुझे लगा कि मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है। तो मैंने नहीं सोचा था कि मुझे हैंड्स ऑन सेप्टोलाइसिस मिल जाएगी और अशरमिन सिंड्रोम मिल जाएगा। अंदर यूट्रस के अंदर डिस्टेंशन हम प्रेशर से दे रहे हैं और वहां पर ऑपरेशन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि रिस्की काम है। और जिन्होंने मुझे करने दिया हैंड्स ऑन, उनको सलाम है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा गट्स चाहिए। तो मुझे हैंड्स ऑन करने पर मुझे लगता है कि अब यहाँ से जाके आई विल डेफिनेटली ट्राई माई सेल्फ और आई विल डू, आई एम श्योर। और लैप्रोस्कोपी में भी सूचरिंग जो था एक मेरा भी एक डेफिशिएंट पार्ट था, और मुझे भी लगता है कि सूचरिंग तो आनी ही चाहिए लैप्रोस्कोपी सर्जरी में। इवन आप हिस्ट्रोस्कोपी में कर रहे हैं और वहां फंस गए तो सूचरिंग की जरूरत पड़ेगी। तो सूचरिंग पे सर ने बहुत स्ट्रेस दिया और सूचरिंग करवाई, फंडामेंट्स बताए सूचरिंग के, ऑपरेशन में हमने जो ऑपरेशन देखे, बेसिक कई टिप्स दिए उन्होंने जो हमें लगता है कि हम मिस कर रहे थे इतने दिनों से करके। और एक सीनियर और एक्सपीरियंस टीचर एंड सर्जन, वही वो जानते कि हाँ मुझे ये दिक्कत हुई थी, ये दिक्कत जो न्यू कमर को होती है, और मैं ये पॉइंट्स बताऊंगा तो डेफिनेटली दे विल डील विद ऑल दिस प्रॉब्लम्स। तो वो सर ने वो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बताए जो हमने ऑब्जर्व किया, पूछा, उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। तो मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे लगता है डेफिनेटली डू बेटर इन माई फ्यूचर।